सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़का मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी है वो पकड़ लिए दोनों को, कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए के अंदर आ गए। ये चिंता की विषय है, ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर, आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट दे के, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता के विषय है। देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे, अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा यह है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे, विजिटर गैलरी में से कूदे थे? हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ रिएक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों ने पकड़ा, और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। दो लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से, कुछ आप लोगों ने पूछा? नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।